हेलो फ्रेंड, मैं सरिता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए या हमें अतिथि भोजन कराना हो या ब्राह्मण भोजन कराना हो तो हम कुछ इस तरह से खाना बनाते हैं। और इसमें कौन कौन सी रेसिपी होती है ये आप पूरा वीडियो में देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड इस वीडियो में। तो चलिए हम इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। और बहुत ही आसान तरीक़ों से मैंने बनाया है, जो कि घर में अवेलेबल है उन्हीं सामानों से। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं आलू गोभी की सब्जी। और ये देखिए, इसके लिए देखिए आलू भी कच्चे हैं और गोभी भी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। हाँ फ्रेंड, हर एक रेसिपी में सरसों तेल में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनती है इसीलिए। तो सबसे पहले तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम गोभी डाल देंगे। इसे ढक दीजिएगा इस तरह से, क्योंकि गोभी डालने के बाद उसके छींटे पड़ते हैं इसीलिए। इसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद आलू भी इसमें डाल देंगे। दोनों को हम इस तरह से फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन हो जाए तो फिर इसे निकाल लेंगे। अब ग्रेवी के लिए देखिए एक मिक्सी जार ले लेते हैं। इसमें हम टमाटर को इस तरह से रफली काट लेंगे। 2 टमाटर हम डालेंगे। और इसके साथ ही 2 हरी मिर्च, अदरक भी डाल देंगे। और ढक्कन बंद करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे हम। ठीक इस तरह से प्यूरी बना के रखेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा आलू गोभी भी फ्राई हो चुका है, तो इसे हम अब निकाल लेते हैं। अब जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ है इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे हम। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें जीरा डालेंगे, ये तेज पत्ता, साथ में सूखी मिर्च। इन सबको अच्छे से चटकने देते हैं। और जो हमने ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करके रखा था वो पेस्ट इसमें हम डाल देंगे। इसे अच्छे से हम भूनेंगे इस तरह से। इसके साथ इसमें मसाला ऐड करेंगे, जैसे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिर्च आप जितना तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो। इन सबको हम भूनेंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। इसके बाद जो आलू गोभी हमने फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसे इस तरह से कोटिंग कर देंगे मसाले से। 1 से 2 मिनट के बाद, भुनने के बाद, इसमें हम पानी डाल देंगे, जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी उतना। इसके बाद ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाल देंगे। ये घर का बना हुआ गरम मसाले का ही इस्तेमाल कीजिएगा आप। और इस तरह से मिला लेंगे हम, अच्छी उबाल आने देंगे। और साथ ही हम चेक कर लेंगे कि आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हुआ कि नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, इसमें हम तुअर की दाल बनाने वाले हैं। ये घर का रोस्टेड तुअर की दाल है, आप भी रोस्ट कर लीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। तो 1 कटोरी हम तुअर की दाल डाल रहे हैं, और जिस कटोरी से हम तुअर की दाल डालेंगे उसी से 3 कटोरी पानी डाल देंगे। साथ ही हल्दी 1/2 टीस्पून डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और 1 टीस्पून सरसों का तेल हम डालेंगे। इस तरीके से एक बार आप जरूर बना के देखिएगा। और ढक्कन बंद कर देंगे कुकर का, हम गैस पे चढ़ा देंगे 1 सीटी फुल फ्लेम पे और 4 सीटी लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। इस तरफ देखिए हमारा आलू गोभी का सब्जी भी बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड, सीटी लग चुका है कुकर में। अब ढक्कन हटा के हम चेक कर लेते हैं, और दाल हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का बहुत सिंपल तरीके से लगाने वाले हैं हम। 1 चमचे में 2 चम्मच घी डाल देंगे, घर का देसी घी। साथ ही 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। 1 सूखी मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। इसे अच्छे से हम चटकने देंगे और इस दाल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से हम मिला लेंगे इसे। और ये देखिए फ्रेंड, दाल बनके तैयार है। अब चलते हैं अगली रेसिपी की ओर। इसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा लिया, इसमें तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसके बाद ये बड़ा वाला बड़ी है, बड़ी को अच्छे से भून लेंगे हम जब तक ये ब्राउन हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई में हम हींग डाल देंगे, साथ ही 1/2 टीस्पून जीरा। इसे अच्छे से चटकने देंगे। कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे, फ्रेश वाले कड़ी पत्ते। और इसके बाद ये बैंगन डाल देंगे। बैंगन को फ्रेंड आप सब्जी बनाने से पहले इसे काट के और आधा घंटा पानी में ज़रूर डालिएगा, इससे सब्जी बहुत मज़ेदार बनती है इसलिए। इसके साथ ही नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर,
और ये आमचूर पाउडर है, इन सबको इसमें डाल के इस तरह से मिला लेंगे हम। और इसे हम ढक्कन बंद करके कुछ देर पकने देंगे। ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए 2 चम्मच करीब हम पानी डाल देंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा ली, इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा डालेंगे। इसके बाद ये देखिए करेला है जिसे मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है, इसे इसमें हम डाल देंगे। हम करेले का फ्राई करने वाले हैं। 1 से 2 मिनट इस तरह से हम भूनेंगे। इसके बाद ये हरी वाली मिर्च है जिसे बीच से हमने चीरा लगा लिया, इसे भी इसमें डाल देंगे। साथ ही नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और हल्दी, और कोई मसाला इसमें नहीं डालना है, बस यही 2 ही मसाला है। इस तरफ देखिए हमारा बैंगन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसे चमचे की मदद से इस तरह से मैश करते जाएंगे हम। जब इस तरह से हो जाए बैंगन की सब्जी, इसके बाद जो हमने बड़ी फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। इसे मिला लेंगे हम और इसके बाद पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि ये सब्जी थोड़ा तीखी अच्छा लगता है। इसे इस तरह से मिला लेंगे और अच्छी उबाल आने देंगे। साथ ही गरम मसाला डाल देंगे 1/2 टीस्पून, मिला के इसे ढक देंगे। 1 उबाल आने के बाद हम गैस पर से उतार लेंगे। इस तरफ देखिए हमारा करेले का फ्राई भी हो चुका है, ये इस तरह से ब्राउन हो जाना चाहिए। बैंगन की सब्जी में धनिया पत्ता डाल के मिला लेंगे हम। अब चलते हैं अगली रेसिपी की ओर। इसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा लिया, इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, अच्छे से गर्म होने देंगे। साथ ही इसमें जीरा 1/2 टीस्पून, 1 हरी वाली मिर्च को इस तरह से बारीक काट के इसमें डाल देंगे हम। जीरा और हरी मिर्च जब चटक जाए कुछ इस तरह से, उसके बाद ये देखिए मीठे वाले कद्दू है जिसे लौकी भी कहते हैं, इसे मैंने एकदम बारीक बारीक काट लिया था। और इसकी सूखी सब्जी हम बनाने वाले हैं। 2 से 3 चम्मच इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि लौकी हमारा सॉफ्ट हो जाए, इसलिए इसके साथ ही नमक, नमक इसमें बहुत कम डालेंगे हम, और हल्दी 1/2 टीस्पून। लौकी की सब्जी गल जाती है इसीलिए, और ढक्कन बंद करके इसे पकने देंगे। दूसरी तरफ देखिए हम फिर से तेल डाल देते हैं, इसमें जीरा डाल देंगे अगली रेसिपी बनाने के लिए। इसके साथ ही ये हींग जो कि बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में, साथ ही ये सूखी मिर्च, इसके साथ ही कड़ी पत्ते, ये ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। और साथ ही ये कोहरे, कोहरे को भी हमने इस तरह से बारीक काट लिया था, इसे इसमें डाल के 1 से 2 मिनट भूनेंगे। इसमें भी 2 चम्मच हम पानी डाल देंगे क्योंकि कोहरे की भी हम सूखी सब्जी बनाने वाले हैं। जिस भी सब्जी की हम सूखी सब्जी बनाते हैं फ्रेंड, उसमें 1 से 2 चम्मच पानी ज़रूर डालिएगा। साथ ही नमक, नमक बहुत कम डालिएगा इसमें, हल्दी 1/2 टीस्पून। सूखी सब्जी बनाने में ये गल जाती है इसीलिए नमक का बहुत ही ध्यान रखना है। इसे ढक देंगे हम और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, फूल बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ इस तरह से जब सॉफ्ट हो जाए कोहरे की सब्जी, तो इसमें 1 चम्मच हम चीनी डाल देंगे। इसे इस तरह से हम मिला लेंगे और ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है। इस तरफ हमारी कद्दू की सब्जी भी बनके तैयार हो चुकी है, इसमें धनिया पत्ता से हम गार्निशिंग कर लेंगे। बहुत ही कम मसाले में ये सब्जी सब बनती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके बाद देखिए एक सॉस पैन हमने चढ़ा लिया, इसमें 1 गिलास पानी हम डाल लेते हैं। पानी में उबाल जब आ जाए तो ये सूरन है जिसे जिमीकंद भी कहते हैं, ये डाल देंगे। साथ ही नमक थोड़ा सा डाल देंगे और इसे उबलने देंगे क्योंकि हम जिमीकंद की चटनी बनाने वाले हैं। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें हम जीरा डाल देंगे, ये सूखी मिर्च, और ये देखिए आलू के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है क्योंकि आलू को फ्राई करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तेल में इतना सा आलू, तो इसलिए हम डाल रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि आलू तेल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। साथ ही नमक डाल देंगे और हल्दी 1/2 टीस्पून। ज़्यादा तेल में आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है और जितना तेल उसे चाहिए बस उतना ही वो तेल लेगा, एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करता है। और जो बचे हुए तेल में हम अगली रेसिपी बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड कितना तेल बच गया, इसी में हम फिर जीरा डाल देंगे, ये 1 हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे, कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे, और ये भिंडी के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था तो भिंडी इसमें डाल देंगे, भिंडी फ्राई कर लेंगे हम।
दो से तीन मिनट इस तरह से भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम हल्दी डाल देंगे, साथ ही नमक। ऐसे इस तरह से हम मिला के भून लेंगे जब तक अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इस वीडियो में जितनी भी रेसिपी फ्रेंड मैंने बताई है, इसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। सब सात्विक तरीके से बनाया है, जो कि ब्राह्मण को भी हम खिला सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, इसमें से भी तेल इतना सारा निकल गया, इसमें भी हम अगली रेसिपी बना सकते हैं। इस तरह से करने से बहुत आसान हो जाता है हमारा काम। और भिंडी हम निकाल लेंगे। अब इस तेल में देखिए, हाफ टी स्पून जीरा हम डाल रहे हैं, साथ ही हाफ टी स्पून सरसों, पीली वाली सरसों है। एक सूखी मिर्च को तोड़ के इस तरह से डाल देंगे हम। और सूरन को जो हमने बॉईल किया था, ये अच्छे से बॉईल हो चुका है, पक चुका है, तो इसमें ये सूरन डाल देंगे हम। सूरन की चटनी बनाने वाले हैं इसीलिए। इस तरह से चमचे से इसे मैश कर देंगे हम। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी थिकी होता है। पानी डाल के इसे इस तरह से मिला लेंगे। नमक हम डालेंगे और हल्दी, हल्दी ऑप्शनल है। इसके साथ ही 1 टीस्पून नींबू का रस, साथ ही धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, हमारी ओल की चटनी भी बनके तैयार है। अब एक पतीला ले लेंगे, इसमें हम बेसन डालेंगे। 2 बड़े चम्मच बेसन डाला मैंने। इसके साथ ही ये हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक और ये बेकिंग पाउडर है 1 पिंच। अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर ले और हाथों से ही इस तरह से फेंट ले, क्योंकि हम बड़ी बनाने वाले हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब कड़ी बनाने के लिए देखिए, एक मिक्सी जार ले लीजिएगा, इसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा। इस तरह से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ ही 1 चम्मच बेसन, 2 चमचे से दही हम डाल देंगे इसमें। इसके साथ ही हल्दी और नमक, इन सबको इसमें डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब एक पतीले में ब्लेंड किया हुआ बैटर हम निकाल लेंगे। इसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे, क्योंकि ये बैटर काफ़ी थिक है और बॉईल होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए अब गैस पे चढ़ा के इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे हम। बड़े वाले चमचे की मदद से इस तरह से हम अलट पलट करते जाएंगे, क्योंकि कड़ी में बॉईल होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी कड़ी मज़ेदार बनती है। जब कुछ इस तरह से हो जाए तो इसे साइड में उतार के रख लेंगे। अब एक कढ़ाई चढ़ाते हैं, इसमें हम तेल डाल देंगे बड़ी बनाने के लिए। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो चेक कर लेंगे, ये परफेक्ट है। अब इसमें झटपट से बड़ी बना लेंगे। 2 तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे हम इसे। निकालने के बाद ये देखिए, डायरेक्ट मैं कड़ी में बड़ी डाल रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, कितनी मज़ेदार बनी है हमारी बड़ी। इसे इस तरह से हम मिला लेंगे। अब इसका तड़का हम बनाने वाले हैं। तड़का लगाने के लिए 1 तड़का पैन चढ़ाएंगे, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। इसके साथ ही ये 1 पिंच हींग। हींग जब अच्छे से पक जाए, इसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और ये 1 सूखी मिर्च को इस तरह से तोड़ के हम डाल देंगे। ये डेगी मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वही। 1/2 टीस्पून इसमें डाल के इस तरह से मिला लेंगे और ये कड़ी में हम डाल देंगे। इससे हमारे कड़ी का कलर तो बहुत ही मज़ेदार आएगा, साथ ही इससे टेस्ट भी बहुत दुगना बढ़ जाता है। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा कड़ी भी बनके तैयार है। ये कितना सॉफ्ट है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत झटपट बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो एक बार ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा। अब हम अगली रेसिपी बनाने वाले हैं। ये कोहरे का पत्ता है, कोहरे के पत्ते से हम साग बनाने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत टेस्टी बनती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा कोहरे के पत्ते को और बारीक बारीक काट लीजिएगा, ठीक इस तरह से। और ये बनाना भी बहुत आसान है। एक कढ़ाई में हम 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और 1 सूखी मिर्च को बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। सूखी मिर्च जब इस तरह से चटक जाए तो ये कोहरे के पत्ते इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और नमक बहुत ही कम, 1/4 करीब, क्योंकि साग गल जाता है। कोई भी साग बनाने के लिए नमक का बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान देना। इसे हम ढक देंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो गैस पे हम इसे अच्छे से पका लेंगे।
जब इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तो एक चम्मच सरसों का तेल लेके मिला लेंगे। अब हम चावल बनाने वाले हैं, तो एक पतीले में देखिए 2 गिलास हमने चावल डाला। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद एक प्रेशर कुकर ले लेंगे हम। प्रेशर कुकर में ये चावल डाल देंगे। हम जितना चावल डाल रहे हैं उससे ठीक डबल पानी डालेंगे। तो 2 गिलास मैंने चावल डाला, तो 4 गिलास हमें पानी डालना है। ठीक इसी तरह से आप चावल की क्वांटिटी कम ज़्यादा करें तो पानी का भी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ढक्कन बंद कर देंगे और फुल फ्लेम पे बस 1 सीटी आने तक पकने देंगे। अब चलते हैं हम खीरे का रायता बनाने की ओर। तो इसे इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे खीरे को। कद्दूकस हो जाने के बाद इसे एक कटोरी में हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के इस तरह से रखेंगे। इसके साथ ही एक हरी वाली मिर्च को हमने बारीक काट के रखा, साथ ही धनिया पत्ता और ये दही। दही से भी पानी निकाला हुआ है, काफ़ी थिक दही है। इसके साथ ही देखिए नमक और ये जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कितनी मज़ेदार सी बन गई हमारी रेसिपी और झटपट बन रही है। अब चलते हैं हम चटनी बनाने की ओर। चटनी बनाने के लिए एक मिक्सी जार ले लेंगे। इसमें एक टमाटर को हमने इस तरह से रफली काट लिया, साथ ही ये हरी वाली मिर्च को एक तोड़ के हम डाल लेंगे। ये अगर तीखा आप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, साथ ही धनिया पत्ता। इसके बाद इसमें ये भुना हुआ जीरा हम 1/2 टीस्पून डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ऐसे ढक्कन बंद करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे इस तरह से पकौड़ा बनाने के लिए। और एक पतीले में 3 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे, बड़े चम्मच से। और एक चम्मच हम मैदा डालेंगे। ठीक इसी तरह से आप मेजरमेंट ले लीजिएगा। इस तरीके से पकौड़ा बहुत ही मज़ेदार बनती है और क्रिस्पी बनती है। साथ ही नमक हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून के अकॉर्डिंग मिर्च पाउडर, और ये 1/2 टीस्पून से भी कम गरम मसाला। इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे इस तरह से और क्रीमी सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। ठीक इस तरह से। इसके बाद देखिए बैंगन को इस तरह से हमने स्लाइसेस में काट लिया। इस बैटर में हम डिप कर लेंगे और तेल का टेम्परेचर चेक कर लेंगे कि गर्म है कि नहीं, और इस तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। इसी तरह से जितने भी पकौड़े हमें बनाने हैं हम एक ही बैटर में सारे पकौड़े बना के तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखिए भिंडी, भिंडी के वो भी हमने इसी तरह से तल लिया। इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने कोहरे को भी तल लिया। जितने भी पकोड़े बनाने हैं आप एक ही तेल में और एक ही बैटर में बना सकते हैं। हरी मिर्च, साथ ही ये आलू, आलू को भी इस तरह से पतले स्लाइसेस में हमने काट लिया है। और ये देखिए फ्रेंड, एक एक करके हमने सारे पकोड़े बना के तैयार कर लिए हैं। इसके साथ ही ये पत्तों के पकोड़े, जो कि बिहार का बहुत ही फेमस है, इसे तिलकोर नाम से जाना जाता है। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक फंक्शन हो या फिर कोई भी ब्राह्मण भोजन हो तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसे भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा इस पकोड़े को, बहुत मज़ेदार लगती है ये, तिलकोर के पकोड़े इसे कहते हैं। इसके साथ ही ये परवल, परवल भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे पकोड़े बना के हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड मेरी कोशिश यही रही है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके से हर एक विधि बता सकूं, जो विधि कि हमारे बिहार में बहुत ही फेमस है। हर एक रेसिपी घर में जो सामान अवेलेबल होती है उन्हीं सामानों से ये सारी रेसिपी बन सकती है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद बचे हुए तेल में हम पापड़ इस तरह से फ्राई कर लेंगे, ये चिप्स, ये सारे को फ्राई करके हम निकाल लेंगे। अब चलिए अब प्लेटिंग करने की ओर चलते हैं हम। और फ्रेंड आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि कैसी लगी। सबसे ज़रूरी चीज़, हमने मीठा तो बनाया ही नहीं, तो चलिए पहले मीठा हम बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में घी गरम कर लिया। मखाने को इस तरह से हम भून लेंगे। जब मखाना क्रिस्पी हो जाए तो इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और एक मिक्सी जार में
ब्लेंड कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ड्राई पाउडर बनाना है और पाउडर भी एकदम बारीक सा नहीं होना चाहिए, हल्का सा दरदरा ठीक इस तरह से हो जाना चाहिए। उसी कढ़ाई में हम पलट लेंगे और दूध डाल देंगे। बहुत ही झटपट ये मीठा बन जाता है। दूध डाल के इसे हम उबाल लेंगे और ये बहुत जल्दी गाढ़ा भी हो जाता है। इसके बाद चीनी हम डाल देंगे, मीठा आप जितना पसंद करते हो उस हिसाब से डाल सकते हो। मिला लेंगे हम, दो चार बार उबाल आने देंगे। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो अवेलेबल हो डाल सकते हैं। अब प्लेटिंग करते हैं हम, और ये देखिए फ्रेंड, आलू गोभी की मज़ेदार सी सब्जी, इसके साथ ही मखाने का खीर, ये सूरन की सब्जी जिसे जिमीकंद भी कहते हैं, इसके साथ ही दाल, तुअर की दाल, ये कड़ी बड़ी, ये साथ ही अदौड़ी बैंगन की सब्जी, और ये कद्दू की सब्जी जिसे लौकी भी कहते हैं, ये चटनी, कोहरे की सब्जी। और इस तरह से हम अपने ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं। तो फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें फ्रेंड। और इस तरह की कोई भी रेसिपी आपको जाननी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और ये देखिए फ्रेंड, कितनी मज़ेदार लग रही है। हर एक रेसिपी एक से बढ़ के एक है, और किसी भी रेसिपी में मैंने ना ही लहसुन प्याज डाला है और ना ही कोई ऐसा सामान जो कि आप ना बना सको। बहुत ही आसान तरीक़ों से मैंने बताया है, तो प्लीज़ आप बनाइएगा ज़रूर और बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इस तरह से हम सजा लेंगे। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ फ्रेंड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।